चलिए दोस्तों, आज प्रतिशत का हमारा सातवां वीडियो है ये। और जो लोग पहली बार देख रहे हो वो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखा करें जब भी कुछ मिलता है। चलिए देखें, ऐसा के प्रश्न है। प्रश्न दिया है, अशोक अपने मासिक वेतन का 5% खाने पर, 10% कपड़े पर और 15% पुस्तकों तथा 25% यात्रा पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपए की बचत करता है, तो अशोक की वार्षिक आय कितनी है? ध्यान दें दोस्तों, मासिक वेतन का खर्च कर रहा है और वार्षिक आय पूछ रहा है, एक वर्ष की फुल पूछ रहा है। बहुत ज्यादा गलती होती है यहाँ पर। सभी क्या एक महीने की आय निकाल लेते हैं जबकि उसने क्लियर कहा है कि वार्षिक आय कितनी है। देखेंगे, बहुत ही छोटा प्रश्न है, कुछ नहीं है। सीखें, 5% खाने पर 5, 10% कपड़ों पर 10, 15% पुस्तक और 25% यात्रा पर। जब कुछ नहीं कहता है, सीधा सीधा कहता है, तो टोटल प्रतिशत जोड़ लेते हैं। टोटल जोड़ेंगे 55%। इस तरह से कुल मिला के 55% उसने खर्च किया और कुल आय जो होती है हमारी 100%, जिसमें से 55% खर्च, तो फिर जो बचत है हमारी वो 45%, में 45% और रुपए में 27,000। देखें कैसे करेंगे, तो 45% बराबर 27,000, 1% बराबर 27,000 बट्टे 45 गुणा 100। इतना करने पर सिर्फ मासिक वेतन निकल के आएगा और पूछा उसने वार्षिक, और ऑप्शन दोनों मिलेंगे दोस्तों। अच्छे से किया करें, वार्षिक के लिए क्या करेंगे हम 12 का गुणा, तब टोटल निकालेंगे कितना आएगा। 9 से काट दें, 9 से 5 बार और 9 से 3,000 और 5 से 600 करेंगे, 12 6 72 और 2 0। इस तरह से टोटल निकल के आएगा 7,20,000 रुपए। नोट करें साथी, बहुत ज्यादा गलती होती है इसमें। चलिए दोस्तों, अभी पिछला प्रश्न देखा, अब बिल्कुल उसी का है, थोड़ा सा बड़ा भाई माने बस। इसमें कहा है उसने, एक कॉलेज के 12% छात्रों की रुचि गणित में, 10% छात्रों की रुचि विज्ञान में तथा तीन चौथाई की रुचि कला में और शेष 12 छात्रों की रुचि अंग्रेजी में। तो सीखेंगे अच्छे से, अभी जो प्रश्न था बिल्कुल वही है। इधर 12% छात्र गणित में रुचि रखते और 10% छात्र विज्ञान में रुचि रखते, और जो तीसरी बात कही है तीन चौथाई। अब तीन चौथाई क्या है, प्रतिशत न कह के वो बट्टे में कह गया कितना, तीन चौथाई, तो तीन चौथाई। अब तीन चौथाई का प्रतिशत सभी जानते, बनाना प्रतिशत बनाएंगे, 100 से गुणा करेंगे तो इधर से काटेंगे 25 3 75, यानी के 75% कला में रुचि रखते हैं, तो 12%, 10% और 75, टोटल हो जाएगा ये हमारा 97%। अब 97% छात्र कहीं ना कहीं रुचि रखते हैं और 12 छात्र अंग्रेजी में। अब देखें प्रतिशत में कितना बचता है हमारा, 3%। घटा लेंगे 100 माइनस 97 बराबर 3,
तो 3% शेष बचा और शेष बचने वाली संख्या जो है हमारे पास 12, तो 3% बराबर 12, 1% बराबर 12/3, टोटल संख्या पूछी है तो गुणा 100, 3 से 4 बार और 4 का गुणा 100 में करेंगे तो कुल छात्रों की संख्या 100। दोस्तों यहीं पर यदि कुछ और पूछता कि कला में कितने बच्चे हैं तो गुणा 75 करते, कला वालों का निकल के आ जाता। यदि गणित वालों की पूछता तो गुणा 12 कर देते यहाँ पर, तो गणित वाल जो पूछे वही निकालेंगे बात। सीधे अच्छे से नोट करें, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% पुस्तकों पर, शेष का ध्यान रखना दोस्तों शेष का 5% भोजन पर, शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास 9,520 रुपए बचे हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। दिखने में दोनों प्रश्न दोस्तों एक जैसे लगते हैं लेकिन बहुत ही अंतर होता है। इससे पहले प्रश्न में देखा होगा शेष की बात नहीं कही इस तरह से, इसमें क्या है बार बार शेष की बात कर रहा है। जब बार बार शेष की बात करता है तब प्रश्न और ही सरल हो जाता है। सीखे कैसे, 80% पुस्तकों 20% पुस्तकों पर खर्च किया उसने 20% पुस्तकों पर, तो फिर 80% बचा तो 80/100 गुणा 15% भोजन पर, जब 100 में से 15 खर्च हो जाएगा तो फिर 85% / 100 गुणा 30% कपड़ों पर, तो फिर 30% खर्च होगा दोस्तों तो 70%। इस तरह से अब जो बचेगा उसे बराबर में रख देंगे और 9,520 रुपए हो गया। जितना खर्च हो जाता है उसे घटा के लिखते हैं, यानी हमारे पास 20% खर्च हुआ तो 80% बचा, फिर 15% खर्च हुआ तो फिर 85% बचा, और फिर 30% खर्च हुआ तो फिर 70% बचा, और बच के अब हमारे पास रुपए में जो मान रह गया है वो 9,520 रुपए रह गया है। बस इतना सा करना है, काट पीट करेंगे अच्छे से इसकी तो हमारा आंसर जो रहेगा अब 20। अच्छे से काट पीट कर लें तसल्ली से, और ध्यान दें दोस्तों जब बीच में बराबर का चिन्ह आ जाता है तो ऊपर वालों से संख्या कटती है, नीचे वाले का इधर गुणा हो जाता है। नोट कर लें साथी अच्छे से। अगला प्रश्न देखें अच्छे से, एक कॉलेज में 40% छात्रों को वर्ग ए दिया गया, शेष छात्रों के 75% छात्रों को वर्ग बी दिया गया। अभी जो प्रश्न था बिल्कुल वही प्रश्न है जो कहते हो, सिर्फ काले छात्र और कुछ नहीं है। 40 छात्रों को वर्ग ए, शेष जहां शेष की बात करता है देखेंगे दोस्तों, जब 40% छात्रों को वर्ग ए मिला तो शेष कितने बचे 60/100, और फिर 75% को वर्ग बी दे दिया गया तब 75% को दिया जाएगा फिर कितना बचेगा दोस्तों 25/100। अभी और प्रश्न हो तो और लिख सकते हैं लेकिन वहां तो क्या है शेष 12 छात्रों को वर्ग सी, तो क्या है अब बराबर करेंगे अच्छे से काट पीट, 25 से काट दें, 25 चौका 100, 1 0 से धरती जो काट दें, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार और 3 से इधर 4 बार, सबका गुणा होगा 100 × 10 × 2 × 4।
इधर जो हो जाएगा हमारा आंसर 80। अगला प्रश्न है, थोड़ा अटके है, सही से सीखेंगे। प्रश्न बहुत ही छोटा है। किसी जनपद की जनसंख्या 25,000 है, इसमें 20% प्रति वर्ष, यानी 20% क्या है, बढ़ जाती है जनसंख्या, प्रति वर्ष वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। इस पर कई तरह के प्रश्न आते रहते हैं दोस्तों। 20% बढ़ जाती है पहले वर्ष, द्वितीय वर्ष 25%, तृतीय वर्ष कुछ, कभी कुछ, कभी पहले की देके बाद की पूछता है, कभी बाद की देके पहले की पूछ लेता है। तो सीखेंगे करना कैसे है, सभी प्रश्नों को एक जैसे लगाएंगे। 25,000 में क्या है, 20% बढ़ रही है, तो क्या है 120/100, और जितने वर्ष की बात करेगा उतने वर्ष गुणा में लिख देंगे 120/100, और द्वितीय वर्ष भी क्या उतनी बढ़ी, तो 120/100। अब जो काटने वाली बात है, अच्छे से ध्यान दें दोस्तों, कैसे काटे अच्छे से, 20 से काटते हैं, 20 से 6 बार और 20 से 5 बार, 20 से इसे भी 6 बार और 20 से इसे भी 5 बार, 25, 25, 25, 1, यानी 1000 बार, 36 डायरेक्ट 36। 2 वर्ष बाद हमारी जनसंख्या जो है 36,000 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे ऐसे ही। किसी जनपद की जनसंख्या 8,500 है, इसमें प्रथम वर्ष 20% तथा द्वितीय वर्ष 25% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। लगाएं दोस्तों, 10 सेकंड का समय देते हैं। प्रश्न देखते हैं, पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद अच्छे से सोच है, ट्रिक पहने जाए, ट्रिक पर कुछ नहीं होता दोस्तों, कुछ भी नहीं होता है, सब भूल जाते हैं। लगाएं फटाफट, अच्छे से लगाएं सभी। चलिए देखें, ज्यों का त्यों प्रश्न है दोस्तों।
8500 हमारी जनसंख्या है, प्रथम वर्ष में क्या है 20% वृद्धि हुई है तो 120/100, द्वितीय वर्ष में 25% वृद्धि हुई है तब क्या करेंगे हम 125/100। अब अच्छे से काट पीट करेंगे तुम्हारा आंसर जो है 12,750 आ जाएगा। उड़ा भाग अच्छे से करें। अगला प्रश्न देखें नौका जो है, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% जनसंख्या बढ़ जाती है, यदि वर्ष 2003 में 2000 जनसंख्या हो तो 2006 में यहाँ की जनसंख्या कितनी होगी? निकाले दोस्तों अच्छे से, 5 से 10 सेकंड में निकाला करें मात। जब भी कंपटीशन में पार पड़ती है लोट पीट के आंसर तो सब दे देते हैं वहां। अच्छे से लगाएंगे, समय देखेंगे कितने वर्ष का आ गया, क्लियर तो नहीं कहा, 1 वर्ष है, 2 वर्ष है, 5 वर्ष है, कितना है, अच्छे से देखेंगे, अच्छे से लगाएंगे। चलिए देखें, अच्छे से लगाए, कुछ नहीं है, उसने कहा है 10% बढ़ती है, तो 10% बढ़ती है तो 110/100। अब बात दोस्तों ये रह जाती है कि गुणा में इसे लिखना कितनी बार है, तो क्लियर कहा है उसने 2003 में जनसंख्या है उसके यहाँ 2000, और 2006 में पूछी है, तो सब ये देखना है कि वर्ष कितनी बन जाएंगी, तो 2003 से 2004, 2005 और 2006 हमारी 3 वर्ष बन जाएंगे, तो 110/100 और 110/100 × 110/100 सिर्फ 3 बार लिखना है। और ध्यान दें दोस्तों अब एक बात का और, कि 2006 में हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, इतना आप सीखे अच्छे से, हमें क्लियर दिख रहा है कि हमें अभी हमारी जनसंख्या 2000 है तो 2006 में क्या है बढ़ जाएगी, और हमें आंसर ज्यादा लाना है तो क्या करें हम बड़ी संख्याओं का उसमें गुणा कर दें, क्योंकि अभी प्रश्न अगला आएगा तो उसमें पता पड़ा कि कहाँ गुणा में लिखते हैं, कब बराबर में लिखते हैं, तो आंसर दी हुई वैल्यू से ज्यादा लेके आना है हमें, तो बड़ी संख्या से गुणा करेंगे, तो बड़ी संख्या से गुणा करेंगे, अच्छे से निकालेंगे, 0 काटे अच्छे से और इधर के काटते हैं दोनों, और एक ये 0 इससे ये,
अब 11 गुणा करेंगे, 11 11 121, 121 11 करेंगे 1331 गुणा 2, अच्छे से कर रहे हैं, 2 6 6 और 2, 2662। नोट करना साथी अच्छे से। नोट करेंगे साथी प्रश्न। एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% कम हो जाता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 81,000 रुपये हो तो 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था। प्रश्न दिया अच्छे से देखेंगे और कोई गलती ना हो जाए दोस्तों, अच्छे से लगाएं, 10 सेकंड का समय है। चलिए देखते हैं, इस बार क्या है दोस्तों, कमी आ रही है, 10% घट रहा है उसका मूल्य। जब 10% घटे या बढ़े कुछ भी हो, करना तो हमें एक ही तरह से है, जब 10% घटेगा तो फिर 100 में से 10 घट जाएगा, इतना रह जाएगा दोस्तों 90/100। अब गुणा में कितनी बार लिखे हैं ये वर्ष पर डिपेंड करता है, जितनी बार सोंगी उतनी बार गुणा में, तो 90/100 गुणा 90/100। अब दोस्तों बात ये सीखने की है कि 10% घट रहा है मूल्य, और 10% घट के वर्तमान में जो रह गया हमारा 81,000, और उसने जो मूल्य पूछा है 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना है, 2 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था, तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य 81,000 से ज्यादा होगा, क्योंकि घट घट के अब हमारा मूल्य 81,000 रह गया है। प्रश्न सिर्फ देखें और पढ़ें, ट्रिक ट्रिक कुछ न देखें, न रटे प्रश्न को, ट्रिक प्रश्न की भाषा देखें, चाहता क्या है। अब हमें अच्छे से पता है कि 81,000 से हमें आंसर ज्यादा लेके आना है, और आंसर ज्यादा कब आएगा दोस्तों, जब हम छोटी संख्या से भाग और बड़ी बड़ी से गुणा कर देंगे, तो क्या करें इसे बराबर में रख दें 81। अब छोटी संख्या से भाग और बड़ी संख्या से गुणा अपने आप हो जाएगा, अच्छे से दोनों जीरो कट जाएंगे, और 9 से ये 9000 बार, और फिर 9 से ये 1000 बार, और 1000 का गुणा मात्र 100 से, 1000 गुणा 100 बराबर 1,00,000। अच्छे से लगा रहे हैं जीरो गिनके दोस्तों, जीरो में कुछ नहीं है। देखिए
ये भी प्रश्न क्या है हमारा, यो का त्यों यहाँ। ये मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल कीमत में क्या है 10% गिरावट हो रही है, यानी इसका मूल्य घटता जा रहा है और वर्तमान में घट घट के 40,500 रुपए की रहेगी मोटरसाइकिल। तो 2 वर्ष पूर्व कितना था, क्लियर सी बात है दोस्तों, 2 वर्ष पूर्व क्या है इसका 40,500 से कुछ न कुछ ज्यादा होगा। अब कितना ज्यादा होगा वही पूछ लिया आपने, तो 90/100 अच्छे से सीखे। ये 90 कहां से आया, यानी 10% घटा तो 100 में से 10 घटेगा 90/100 और फिर 90/100 यानी 2 वर्ष का है, 2 बार लिखेंगे बराबर 40,500। काट अच्छे से, दोनों जीरो कट जाएंगे ऊपर ही, 9 से इधर काटेंगे, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, 9 से 9 पंजे 45 दोनों जीरो आ जाएंगे। 500 में सिर्फ 100 का गुणा करना है, मात्र 500 × 100 आंसर 50,000। अगला प्रश्न देखेंगे अच्छे से, नोट करें। एक गांव की आबादी, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, की दर से घट रही है, यदि 2 वर्ष पूर्व यदि 2 वर्ष पूर्व इसकी आबादी 10,000 रही हो तो अब 10,000 निकाले अच्छे दोस्तों, मत 5 सेकंड में निकाले अच्छे से आंसर इसका, तो बहुत ही छोटा सवाल है। पूरा ध्यान भाषा पर दिया करें, किस तरह की भाषा कह रहा है। देखें 20% घट रही है तो 80/100, अब गुणा में कितनी बार लिखेंगे, तो जितनी वर्ष की बात होगी उतनी बार लिखेंगे 2 वर्ष, तो 80/100 × 80/100। अब रही बात इस 10,000 से हमारा आंसर कम आना है कि ज्यादा आना है, तो देखें दोस्तों 20% तो घट रही है वो तो क्लियर कहा ही है, लेकिन उसने जो वैल्यू दी है मैं संख्या में वो 2 वर्ष पूर्व की दे दी, यानी 2 वर्ष पहले की, जब 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या 10,000 है और 20% घटती आ रही है, तो आज घट जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी, सब इतना सीखना है। तो जब 2 वर्ष पूर्व 10,000 थी और घटती जा रही है तो क्या जनसंख्या कम होती जाएगी, और कम हो जाएगी तो आंसर हमें इससे कम लेके आना है, और कम जब ही आएगा जब मैं छोटी संख्या से गुणा करूंगा, तो गुणा 10,000 और काटेंगे अच्छे से, दोनों जीरो काटते हैं, इधर इधर भी काटते हैं दोनों जीरो, 8×2
64 और 2 0, बस इतना था। 8 का गुणा 8 में ही करना बस, और तो कोई खास बात है नहीं। आज का वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों, अगला वीडियो अगले दिन। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। धन्यवाद।